एक्चुअली मैंने पहले कभी सोचा नहीं था बचपन में कि मैं एक्ट्रेस बनूँगी बिकॉज वो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास बिकॉज मेरे पापा आनी में है और बचपन से आई हैव ग्रोन अप इन अ वेरी अकेडमिक काइंड ऑफ बैकग्राउंड एन एवरी थिंग माई डैड वॉज लाइक वेरी वेरी आई मीन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन एवरी थिंग सो मुझे भी पढ़ाई में बड़ा मजा आता था सो आई शुड बी वेरी गुड विद मैथ्स एंड साइंस एंड एवरी थिंग यू नो हाउ इट यूज टू बी इंजीनियर निथ डॉक्टर एट नॉन सेंस सो so, um, so I was growing up with the idea of becoming a doctor. my first break in fact uh, interestingly was मैं जब पहली ऑडिशन के लिए आई थी बॉम्बे मेरे पहले ऑडिशन में मुझे मेरी पहली पिक्चर मिल गई थी रोक सको तो रोक लो तो it was a big deal for me that you know कि मुझे इतनी जल्दी मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुझे मेरी पहली पिक्चर मिल जाएगी जब मैं आई थी ऑडिशन के लिए I was लाइक like, ठीक है अभी I'll have to take rounds and you know like auditions ye wo line mein lagna all that stuff तो मैं मैंटली प्रिपेयर होकर आई थी बट मुझे पहले ऑडिशन में मेरी पहली पिक्चर मिल गई आशुतो आशतो शाना सर के साथ काम करने में बड़ा मजा आया ही ही इज अ यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम हूमिया मतलब ही इज अ मतलब ब्रिलियंट एक्टर एंड नॉट जस्ट एन एक्टर एज अ पर्सन ऑल्सो ही इज़ अ वेरी ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ वेरी नाइस पर्सन वेरी प्लेजेंट कोस्टा Like, you know, initially, you know, because of his screen image and all, I'm like, you know, and his eyes are so intense and everything. So, you know, always that, that little hitchhik is there that, you know, like, you know, I don't know how he is as a person. But when uh, I was he made me so comfortable. And uh, even in my scenes and all that, Beach Beach, wherever he felt something, he gave me some very interesting, beautiful inputs, which uh, helped my performance. And, um, जीना इसी का नाम है जो फिल्म है हमारी वो बड़ी जिसको आप कहें कि सब्जेक्ट है, विषय ओरिएंटेड फिल्म है और एक हर आदमी की जिंदगी में चमकने की चाह होती है या हर आदमी के अंदर एक सितारा छिपा होता है नायक छिपा होता है तो कैसे आप खाक से उठ के आसमान तक पहुँचते हैं ये एक वो दास्तान है और ज़िंदगी के किन मकामों से और पड़ावों से गुज़रते हुए आप किन कठिनाइयों से गुजरते हुए आप उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके अपने आप को स्थापित करते हैं और यही स्थापना की जो कहानी है और उसी को कहीं ना कहीं हम और आप कहते हैं जीना इसी का नाम है और उन्हीं लोगों के बारे में ये कहा जाता है जीना इसी का नाम है जो ज़िंदगी की प्रतिकूल परिस्थितियों से यानी कम्प्लीटली विपरीत आपकी सरकमस्टांसिस होती हैं उनको फाड़ते हुए उनको ओवरकम करते हुए आप ज़िंदगी में सफलता की दास्तान लिखते हैं और जब सफलता की दास्तान लिखते हैं तो लोग आपके बारे में कहते हैं कि साहब जीना इसी का नाम है फिर आप लोगों की प्रेरणा हो जाते हैं तो वैसी फिल्म है जीना इसी का नाम है और इसमें हमारा जो किरदार है वो प्रिंस ऑफ मेवाड़ का है विक्रम प्रताप सिंह इनका नाम है जो मेवाड़ के पहले राजकुमार हुआ करते हैं और फिर वो मेवाड़ के राजा हो जाते हैं तो कैसे वो और जो जैसा कि आप और हम सब जानते हैं ख़ास करके इस किरदार के बारे में मैं ये कहूँगा कि बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल किरदार है और अपनी मर्जी अपनी शर्तों और अपनी चाहत के हिसाब से ये ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं क्योंकि जो राजत्व की इनकी मानसिकता है कि हमने जो सोच लिया वही दुनिया का सबसे बड़ा सच है या हमने जो चाह लिया वही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है तो हमारी चाहत अनोखी चाहत है हमारी सोच अनोखी सोच है तो कैसे वो व्यक्ति और बड़े आदमी हैं तो इस किस्म का बड़ा किरदार है कि उनका ये मानना है कि जिसको भी हाथ लगाएंगे वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि सामने वाले का बड़ा होना या छोटा होना इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता इन विक्रम प्रताप सिंह के लिए महत्वपूर्ण है कि वो जिस चीज़ को चुनेंगे वो बड़ी हो ही जाएगी तो एक उस किस्म का किरदार है